My dear students, my dear scholars, we have been looking to understand the organization phenomena, the phenomena which goes on in the business and the business firms, where different interests are coming into interaction, where different agents are coming into play. So, naturally, we can use various lenses. वेरियस व्यू पॉइंट टू स्टडी द बिजनेस फिनोमिना अच्छा अब आप ये कहेंगे कि मुझे कौन सा लेंस यूज करना है व्यू इस्तेमाल करना है देखिए एज ए रिसर्चर यू हैव एवरी चॉइस यू कैन यूज एन इकोनॉमिक व्यू टू स्टडी ए ऑर्गेनाइजेशन फिनोमिना एट्स योर व्यू पॉइंट यू कैन स्टडी ए रिसोर्स बेस्ड व्यू You can even use old theories which are theories of the past. Aapko karna hai, ki by doing so, when the research project is over, when your MS or PhD is over, is there anybody who is going to read your findings? Is there anybody who will be interested to publish your paper? इसलिए कि वो काम जो दूसरों ने ऑलरेडी आज से 10, 20, 50 साल पहले कर दिया है आप अगर उसको दोबारा पब्लिश करेंगे तो उसका फायदा नहीं है सो इकोनॉमिक व्यू गिव्स यू ए हैंडल एंड ए टूल टू स्टडी बाय यूजिंग दोज कॉन्सेप्ट स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट गिव्स यू ए टूल एंड ए हैंडल that you look at those resources which are unique and try to develop a strategy for your firm for your company which will give you an advantage so strategic viewpoint is a viewpoint where you would like to develop an edge where you would like to develop a unique product for your own market that the customers will give you an advantage. Usually, strategic viewpoint is applied when you like to develop a competitive advantage on your competitors. Naturally,. Wo product bana rahe Is market, market is open there are many players many players in every sector of industry so if, if you can spend large amounts of budget on advertising to develop your own brand to develop your own brand इन फ्रंट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स योर ब्रांड विल इमर्ज अब वो कैसे आप करते हैं वो अब आपकी स्ट्रेटजी होगी वो आप अगर वो व्यू लेना चाहते हैं तो फिर आपको अपने ब्रांड को मार्केट के अंदर इस तरह से एडवर्टाइज करना होगा यूनिक तरीके से कि लोगों के दिमाग पर वो छा जाए रिवेंबर वो जो एम नजर आता है दूर से तो बच्चे और बूढ़े और लेडीज एंड जेंटलमैन फौरन कहते हैं अच्छा ये मैकडोनल्ड की फ्राइज आ रही हैं साथ उसके बाजू का भूख भी लग जाती ब्रांड स्ट्रेटजी एडवांटेज कस्टमर सेगमेंट यूनिक प्रोडक्ट ये सब मिलती जुलती चीजें हैं प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा लेकिन अब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की मैंने गेम प्लान चेंज किया है और वो ये कि मुझे एडवांटेज लेनी है ओवर द कंपटीशन यू लाइक टू डिस्टिंग्विश योर सेल्फ फ्रॉम द कंपटीशन एंड बाय डिस्टिंग्विशिंग योर सेल्फ मैंने अभी जो एम की मिसाल दी या वो जो बाबा जी नजर आते हैं के वाले चिकन तो सभी बनाते हैं ना चिप्स भी सब बनाते हैं वो कॉर्नर पे बीस रुपए के चिप्स भी मिल जाते हैं मैकडोनल्ड वाला तो बीस रुपए के चिप्स नहीं देता देर इज समिंग यूनिक यू वॉन्ट टू डिस्टिंग्विश स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट इज यू वॉन्ट टू डिस्टिंग्विश यू एडवरटाइज यू स्पेंड मनी ऑन एडवरटाइजिंग यू हैव ए यूनिक कस्टमर सेगमेंट सो यू चार्ज प्रीमियम प्राइस टू चार्ज द प्रीमियम प्राइस स्ट्रेटेजी को हैंडल करने के लिए आपके सामने जो फाइव फोर्सेज मॉडल है वह हेल्प करता है फाइव फोर्सिस मॉडल कहता है ऑलवेज कंपेयर एंड लुक फॉर द न्यू एंटर न्यू एंट्रेंड इन द मार्केट विल रेज द रिस्क अच्छा आप रोक तो नहीं सकते बट बी रेडी समबड़ी विल एंटर किस ब्रांड के साथ आ रहा है किस न्यू कंबिनेशन के साथ आ रहा है वट इज द डिग्री ऑफ कंपिटिशन बिटवीन द एस्टैब्लिश कंपिटिटर्स अगर बहुत फर्क है तो आप प्रीमियम प्राइस चेंज कीजिए बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स जो बायर्स हैं कंज्यूमर्स हैं कस्टमर्स हैं बाजुकात वो भी अपनी स्ट्रेटजी यूज करते हैं बार्गेनिंग करते हैं आपके साथ आपको फिर उनकी बारगेनिंग पावर को सुनना पड़ता है फोर्स है ये डिफरेंट तरीके हैं स्ट्रेटजी को डेवलप करने के एक और तरीका ये हो सकता है कि जो सप्लायर हैं आपके उनकी भी अपनी एक पावर है वो सप्लाई नहीं देंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी और आखिरी बात है कि यू

ऑनलाइन एजुकेशन कुड बी फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड देकर बात खत्म करता हूं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कोर्स की फीस के बराबर अगर कोई प्रोफेसर अमरीका का या यूके का वही कोर्स वही कॉन्टेंट उतने ही पैसों में दे दे तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कंपिटिशन के मुकाबले में कंपिटिटर आ गया ना तो हर यूनिवर्सिटी हर प्रोवाइडर हर सप्लायर इसका ख्याल रखे और अपनी स्ट्रेटजिक डिफरेंशिएशन इन फोर्सेस को सामने रखकर डेवलप करे इट विल हेल्प यू टू डेवलप एडवांटेज थैंक यू